हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए जिसे आपने टॉपिक पढ़ा है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो कोई छीन नहीं सकता, क्या क्या लेके आ रही है आपकी किस्मत जो आपको समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है या फिर होके भी कुछ होने जैसा एहसास नहीं है। तो ऐसा क्या है आपकी किस्मत में जो आपको मिलकर ही रहेगा, या फिर इसको मिल पाने के लिए क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आड़े आ रही है या बीच में आ रही है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने जब भी रीडिंग की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है कि यस, नसीब में लिखा होता है वो मिलता ही सही है। हमें सिर्फ हमें जो फील हो रहा है ना, फेस कर रहे हम दुख तकलीफ जो भी है उसी के ऊपर ध्यान है, लेकिन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या अच्छा लिखा है, इसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं होता। तो उस चीज़ के लिए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स हमारे। तो पहले यहाँ से ये डिक से देखेंगे सिचुएशन और फिर उसके बाद लॉयल हार्ट तो दिल का मामला है कुछ केसेस में। बिटवीन द वर्ल्ड्स एग्जैक्टली सिचुएशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डीप नोइंग, हायर पावर और फोक इन द रोड। एग्जैक्टली फील जो हो रहा था ना वही सिचुएशन। नो पीस लाइक होम, ओके। तो आपकी बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर में 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, और स्पेशली आपकी बर्थ डेट 13 हो सकती है। अगेन 4, 3, 8, 5, 6, 5, 7, ओके। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो आई थिंक नंबर्स तो सभी आए हैं, मतलब सभी लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। यस, ऑलमोस्ट सभी नंबर्स आए हैं। एक आई थिंक 9 एंड 2 छोड़ के, राइट? हाँ, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रीडिंग जिसके साथ रेजोनेट हो सकती है वो हो सकती है, अदरवाइज़ शायद उनके लिए मैसेजेस नए हों। तो यहाँ पे सिचुएशन कही है ना कि कहीं पे ऐसे सिचुएशन ना कि हम जिसे दिल लगाते हैं या हम जिसे बहुत ज़्यादा करीब मानते हैं, फिर वो कोई भी हो, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो ये काफ़ी बचपन से होते आया है कि मान लीजिए कि पेरेंट्स को आप बहुत मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आपकी सिबलिंग्स में मानते हैं, या फिर मतलब आप लड़की है तो लड़के को मानते हैं, लड़का है तो लड़की को मानते हैं, ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब आपकी फीलिंग या आप क्या चाहते हैं इस बात की जैसे ना कोई कदर नहीं करता हो, या फिर आपकी फीलिंग्स या आपकी सोच को ना सबोटेज या लाइक ना मानते नहीं है, लाइक तुम तो रहने दो वाली सिचुएशन होती होगी, या आपकी सोच को या आपकी पसंद को हमेशा या आप क्या चाहते हैं ये बात का किसी ने कभी अंदाज़ा नहीं किया, नहीं कभी सोचा है, मतलब इसे तो चले जाएगा, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो समझ जाएगा या समझ जाएगी, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आया। तो मतलब ऐसा है कि मानो न मानो कि ऐसे कहीं तो, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में ये बात बाद में एक लव लाइफ से जुड़ी है, पर्सनल लाइफ से जुड़ी है, कि जहाँ पे भी वो किसी को अपना मानते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जहाँ पे वो तरह से वो जो अटैचमेंट है, मतलब किसी के किसी को एकदम विश्वास के साथ आप दोस्त मानते हैं या किसी को पर्सन, स्पेशली यहाँ पे आपके पर्सन की लाइक किसी को आप बहुत ज़्यादा खास मानते हैं, और वही इंसान आपको मतलब उतना नहीं मानता या फिर धोखा दे के जाता है, आप मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ क्यों, इतना तो दोस्ती में है या प्यार में है या पेरेंट्स के साथ है, ये खूबसूरत जो रिश्ते हैं या इम्पोर्टेंट रिश्ते, आप इतना करते हैं, आप इतना सोचते हैं इनके बारे में कि हाँ इनको हर्ट ना हो,
चलो इनके लिए आपने कोई चीज़ें डिसीजन कभी कभी सैक्रिफाइस किया हो, तो कभी डिसीजन चेंज किया हो या फिर एक्सेप्ट किया हो, लेकिन उनकी तरफ से कभी उतना जैसे ना एटलीस्ट बेसिक भी नहीं आया, बेसिक भी नहीं कि चलो ये पर्सन मेरे लिए इतना सोचता है, इतना मानता है, इतना करता है, तो हम भी उसके लिए उतना सोचें, ये बात कभी हुई नहीं। तो इसकी वजह से अंदर ही अंदर आपका दिल टूट गया। और कुछ लोग केसेस में इतना लेवल पे हो गया ना कि मतलब मान लीजिए कि आपकी लव लाइफ है यहाँ पे, तो इतना सब कुछ समझने के बाद, अंडरस्टैंडिंग दिखाने के बाद और ये सब चीज़ों के बाद भी बस कुछ रीजंस की वजह से, मतलब रीजंस ही ज़्यादा लाइक जो भी सेपरेशन के या फिर कभी आपने कुछ चीज़ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स की होगी या कुछ मांगा होगा, तो उसी बात पे वो पर्सन ने आपसे दूरी बना ली हो या आपको समझानी हो या आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। एंड वो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों, क्योंकि अभी कैसे ना आप आगे हैं ना पीछे हैं, इट्स लाइक बिटवीन द वर्ल्ड्स, बिटवीन द वर्ल्ड्स, ना आप आगे पीछे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंग सिचुएशन, जहाँ पे हैंग से ज़्यादा भी मतलब ये जो है ना बीच में फंसे वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। किसी काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि कुछ चीज़ें होगी कि भी नहीं होगी, या ये सब चीज़ होता है कि नहीं होता, ये विश्वास करने लायक है कि नहीं। मतलब आपके मन के अंदर, दिल के अंदर इतना डर बैठ गया है या फिर इतना एक अजीब सी होपलेसनेस है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस इंसान पे विश्वास करें या कुछ होगा भी कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ों में आपका जैसा डायलेमा है या आपकी कन्फ्यूजन है हमेशा रह जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन है कि ये जॉब करे कि नहीं करे, या फिर ये होगा कि नहीं होगा, क्या सही रहेगा, बिजनेस करना सही रहेगा या जॉब करना सही रहेगा। चाहते तो है आपकी चलो बिजनेस कर लेते कि मुझे ये आइडिया पे काम करना है, मुझे लगता है कि अगर ये मैं पैशन फॉलो करता हूँ या करती हूँ तो बहुत अच्छा जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ये हो सकती है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन समाओ आपके दिल के अंदर, मन के अंदर जो डर बैठ गया है कि ये क्या पॉसिबल है, क्योंकि सिचुएशन भी फेवर नहीं कर रही है ना आपकी जो हालात है, स्पेशली आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कहीं ना कहीं किसी वजह से, स्पेशली ऐसा लगता है कि पर्सनल रीजन से एक पैटर्न रिपीट होते जा रहा है, पैटर्न रिपीट, लाइक आप आपके हाथ लाइक नम कैसे कहते हैं मुँह का निवाला छीलने जैसा, लाइक इतना मिल जाता है लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें जिस तरह से बिखर जाती है, बिगड़ जाती है या फिर दूर जाती है, तो आप लिटरली हक्का बक्का रह जाते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद या इतना होने के बाद लास्ट मोमेंट पे सब कुछ जैसे ज़ीरो। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, परेशान कर रही है कि आखिर ये सब चीज़ है ना क्यों, कैसे, और ये सब चीज़ का अंत कैसे होगा और कब होगा वाली सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। तो यूनिवर्स से जुड़ने की, उससे पूछने की, लाइक यूनिवर्स से आपको खास लगा हो चुका है, माना या ना माना, भले शिकायत ही सही, बट असमाव आप यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी रीज़न से अभी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा है कि चलो ठीक है, नसीब की बात है, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ हालात हमारे नसीब में आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चलो उससे बाहर निकल के देखते हैं, या कुछ चीज़ तो आपके दिल में चले, कोई कंफ्यूजन है जिसे आपको क्लियर करना है। जैसे कुछ लोग केसेस में ना लिटरली वेट या मूव ऑन, रुकना है कि बढ़ना है आगे, या फिर इंतज़ार करना है कि नहीं करना है, या पर्सन सही है कि नहीं है, ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक ना बिजनेस या जॉब, ये वाली सिचुएशन आपके मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप ना किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ों में आपका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान है। दूसरा चीज़ है ना, किसी हो सकता है कि आपका कोई घर का सपना हो कि मेरा घर हो वाली सिचुएशन, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि घर का कोई बात है, लाइक या तो पेरेंट्स अपना नहीं रहे या उस तरह से, जैसे ना अपनी अपनी एक फीलिंग होती है ना कि पेरेंट्स की मतलब पेरेंट्स हमेशा से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऐसे वाली फीलिंग है कि हमेशा आपके भाई बहनों को मानते हैं या भाई को मानते हैं, बहन को मानते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं, मतलब आपने अगर आपने 1% मतलब जितना भी किया है उसका कुछ नहीं, बट
जो नहीं किया है या गलती हो गई है उसका बाद का ज़्यादा बतंगड़ बना जाता है, या फिर वो एक होता ना पेरेंट्स हमें गले लगाए कि उतना भले जैसे भी जो भी हो, या फिर स्पेशली इन अ लव लाइफ ऑल्सो, तो आपका दिल या एक एनर्जी है ना जो क्रेविंग फॉर द एक प्योर थिंग्स लाइक ना प्योर फीलिंग्स प्योर लव, फिर वो कोई भी हो लाइक पेरेंट्स हो, दोस्त हो, अपना हो, कोई कोई भी चीज़, कोई सच्चे दिल से अपने आप को समझे जैसे आप दुनिया को समझना चाहते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि एक। और दूसरा चीज़ है घर का सपना कि आप हो सकता है कि आप इवन रेंट पे घर देख रहे हो वो भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं पे आपका खुद का घर का एक सपना हो या कुछ घर बनाने का सपना हो या कुछ तो है लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका घर लाइक हो सकता है कि आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी मतलब घर नहीं बन रहा है, एक्चुअली घर नहीं बन रहा है, तो वो चीज़ किसी का मकान है किसी का दुकान है तो कहीं एक्चुअली अ घर अ होम लाइक फीलिंग वो चीज़ आपको नहीं, या फिर आप जब घर पे जाते हो ना आपको एक घर जैसे फीलिंग नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो ऐसी फीलिंग आ रही है। तो देखते हैं यहाँ से पहले मेजर अरकान से देखेंगे, दो कार्ड्स निकलेंगे। ओके ओ हो एक हाँ सो ये जो ज़ीरो लग रहा था ना आपको कि शून्य हो गया ख़त्म हो गया वाली चीज़ नहीं है, तो अंत ही आरंभ है या ज़ीरो इज़ अ न्यू बिगिनिंग ये वाली एनर्जी। तो यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आ रहा है वो है न्यू बिगिनिंग का। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपका दिल कर रहा है जो आपका मन कर रहा है वो आपको रिस्क उठानी चाहिए। माना कि ये जनरल रीडिंग है कलेक्टिव है तो उसी की वजह से और उसी की तरह से आपको रीडिंग को अपनी सिचुएशन में ऑब्जर्व करके लेना है, क्योंकि नई शुरुआत रिस्क लेने का फैक्टर तभी होता है जो कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, जैसे अपने एक्सपीरियंस होते हैं ना उसके बेसिस पर रिस्क लेना है अपनी, मतलब जैसे होता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका अपना वेंचर स्टार्ट करना है तो आपकी सेविंग्स है क्या, आपका कितना बैकअप है, ये अगर आपने सोच के रखा है कि अगर ये फेल हुआ है तो प्लान ए फेल हुआ है तो प्लान बी क्या है, ये सब सिचुएशन अगर आपने सोच के रखा है तो यू शुड गो फॉर इट। दिस इज न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है। यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड, आपके जो चॉइसेस है आपको जो कन्फ्यूजन है वहाँ पे क्लैरिटी मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। दूसरा चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन नहीं है उसकी एंट्री हो सकती है, आपकी लव लाइफ में कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सकता है, और दूसरी चीज़ आपकी बैलेंस की एनर्जी और आप जिसे पसंद करते हैं वो पर्सन आपसे जुड़ सकता है, हो ना हो कोई नई पर्सन की एंट्री हो, अगर कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक जुड़ाव है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए बनी है, उसका आपको मिलना एक डेस्टिनी है, बट उसमें जो एक फेज़ है एक लाइफ की जर्नी है उसमें से भी आपको गुजरना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस द फूल अगेन और फाइव ऑफ कप्स स्टार और टू ऑफ पेंट्स। ओके कार्ड ले लेके एक और सो क्वीन ऑफ पेंट्स
बॉटम डेक है, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। नसीब की बात करिए और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो मुझे लगता है कि यस, ये जो नसीब है आपको कुछ बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, आपके सोल को एक कंप्लीशन या कुछ तो देना चाहता है। ये जो आपकी लाइफ में हालात है, एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पैटर्न जो रिपीट हो रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, बेसिक से बेसिक चीज़ें या सही से सब कुछ हो जाता है, तो दे आर नॉट लकी, यू आर लकी। सच कहूँ तो दे आर नॉट लकी, यू आर लकी, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स है उसके बाद ही फेस जब किया है और उसको जो उसके बाद जो एक्सेप्टेंस हुआ और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तभी जाना है कि प्रॉब्लम्स होना भी कितनी ज़रूरी है। आज मैं यहाँ पे हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, तो जो आपसे मतलब आपको जो गाइड करने का काम है वो इसी वजह से है क्योंकि आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द है, आप बोलने के लिए जो एक्सपीरियंस है वो इसी की वजह से है। जो लाइफ में तकलीफें प्रॉब्लम्स हैं देखे हैं, उसका सॉल्यूशन देखा भी है और सुना भी है और इम्प्लीमेंट भी किया है, माना भी है, तो वो सारी चीज़ें, नसीब का साइकिल तो आपका चेंज होगा, आपके भाग्य में जो लिखा है वो मिलके रहेगा, और वो है कि आपका नेम एंड फेम होना। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, आपकी जो भी बिगेस्ट विश है वो तो पूरी होगी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा यूनिवर्स का एक काम था ना, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कार्ड आए हैं तो कुछ चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे लिटरली कुछ लोगों के केसेस में ना मोक्ष की प्राप्ति है, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर सिचुएशन होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर सिचुएशन। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि देर इज़ अ डिफरेंट कनेक्शन या डिफरेंट सोल हो आप, कहते हैं स्टार स्टेट कहते हैं उनसे, वैसे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपके साथ यूनिवर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, गहरा है। आपकी लाइफ में जो आने वाली हर एक तकलीफ आपके लिए बस एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ के ऊपर काम करना है, बदलना है, दुनिया को रास्ता दिखाना है, अपने आप को पहले अपने आप को रास्ता दिखाना है। ये एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ये एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आप सिर्फ क्या खोया है उसके ऊपर ध्यान है, बट आप क्या आपके पास है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, इसे नहीं करना है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्पेशली इन अ फाइनेंसिस जो भी है, वो आएगी ज़रूर, और वो भी आपके मन के जैसे। लेकिन वही है ना, जब नई शुरुआत कभी होती है, जब आप रिस्क लेने की जो फैक्टर है, जो नई मन फेम आप जो चाहते हैं वो बिगेस्ट है, बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ही वो सब चीज़ें। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखता है कि कुछ लोगों के केसेस में फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जॉब, ऐसे कुछ भी ख्याल आते हैं, सपने हैं, वो भी पूरे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, वो मुझे लग रहे हैं। बस आपके जो इनसिक्योरिटीज़ है, आपको जो एक अंदर ही अंदर जो भी हुआ है लाइफ में या होता है, उसे जो पकड़ने की एनर्जी ना, भाई ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है, यही चाहिए, वो चाहिए, तो यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके देखिए कि भाई आप जो सही समझो वो चीज़ आप, टाइम, पेशेंस, ये जो सारी सिचुएशन है ना, आपको पेशेंस सिखाने के लिए है। आपको जस्टिस या न्याय ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगेन बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको एंग्जाइटी में नहीं जाना है, आपको ज़्यादा गुस्से में नहीं जाना है, आपको फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को उठाना है और आगे बढ़ाना है, लिटरली यही सच है। क्योंकि आपके नसीब में जो आप चाहते हैं, जो सेलिब्रेशन चाहते हैं, जो शादी चाहते हैं, मनचाहा पर्सन चाहते हैं, माना कि हाँ, हालांकि अभी सिचुएशन अगर जो आपकी फेवर में नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। स्पेशली आपकी ना कन्फ्यूजन है, आपकी जो चॉइसेस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। फाइनली आप ये बनने वाले हो, यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स भी है, फाइनल लवर्स भी है, तो यस, जीत तो आपकी होगी। और ये जो पोजीशन है ना आपकी, कि एक ऐसा पर्सनालिटी जो एक मैग्नेटिक या करिश्मेटिक पर्सनालिटी जो अपनी सेल्फ फोकस्ड है, वो चीज़ आप बनोगे ना, तो डेफिनेटली यही सारी चीज़ें, ये जो नसीब में लिखा है ना आपके, जो नेम एंड है, फेम है, अपॉर्चुनिटी है, सेलिब्रेशन है, शादी है, सब कुछ, जैसे न्याय भी मिलना हो, हर चीज़ आपके पास आ रही है, हर चीज़ आपके पास आ रही है। स्पेशली ऐसा लगता है कि आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, स्पेशली आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो चीज़, आपकी मनचाही शादी हो या आपके मनचाहा पर्सन हो, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में जैसे कंप्लीट नहीं है, इसके लिए आपकी ज़िंदगी जैसे थम सी गई है, आप कन्फ्यूजन में हैं, तो वो सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन तो निकल ही जाएगा। मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और वो
आपको करेंगे ना, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, तब जाके आपको फील होगा कि यस दिस इज़ इट, मुझे पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है और यही चीज़ें मुझे मिलकर रहेगी। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। Answering the call, it's time now. Discovering truth, choosing your path, all is possible, and wise leader, and begin now. So, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि you have to start. आपको बोला जा रहा है कि take your first step. कोई भी चीज़ के लिए आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो ज़रूर लीजिए। There is a new beginning for you. You are the wise leader. See, ये वाली चीज़ है, मुझे समाओ ये वाली चीज़ मैच करती है। Wise leader, आप लीड करने वाले हैं। You are beacon for others. Like, आप जीतने वाले हैं, आप लोगों को गाइड करने वाले हैं, आपकी कोई लीडिंग पोजिशन, आपकी प्रमोशंस, हायर पोजिशंस होने वाली है। आप कोई भी चीज़ में जो अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, आप पोजिशन चाहते हैं, वो होकर रहेगा। बट जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है, एक्सपीरियंस जो मिल रहा है ना, वो ये तकलीफों से ही मिल रहा है। Discovering truth, you stand in the light of truth. सच या कोई क्लैरिटी आपके सामने, जो आपका कन्फ्यूजन है ना, वो क्लियर होने वाला है, क्लियर होने वाला है। Choosing your path, all is possible. तो आपकी सोच, आपकी आपके गोल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो पाथ कोई भी चूज़ कर, ऑल इज़ पॉसिबल। आपके लिए यूनिवर्स ने तो इतना ज़बरदस्त जवाब दिया है कि ऑल इज़ पॉसिबल, जस्ट आप सोचिए कि ये कैसे करना है, कैसे करना है। इट्स टाइम नाउ आंसरिंग द कॉल। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के केसेस में लिटरली कॉल मैसेज आने के चांसेस है, स्पेशली इन अ प्रोफेशनल एंड लव लाइफ, दोनों भी चीज़ों से, जहाँ पे उनको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ें जो अटकी हुई, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।